हाय किड्स, आज देखो हमें दूसरे वाले चैप्टर पढ़ने वाले हैं, शेप्स एंड एंगल्स। कौन कौन से शेप्स के बारे में बताया आपको? ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, चार के बारे में तुमको पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो उन्होंने लिखा हुआ है, रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स, दे लव डूइंग द सेम थिंग्स। वन डे व्हेन दे वर मेकिंग शेप्स एंड मैच स्टिक्स, सैला गेव देम ए चैलेंज। ठीक है, रोहिणी एंड मोहिनी दो क्या हैं? बहनें हैं। ठीक है, दे लव डूइंग द सेम थिंग्स, वो क्या कर रहे हैं, दोनों क्या करते हैं, एक जैसा काम करना पसंद करती हैं। तो सैला ने उनको एक चैलेंज दिया। ठीक है, सैला ने एक चैलेंज दिया कि रोहिणी विल मेक अ सेप, मोहिनी हैज़ टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट, बट सी कैन आस्क क्वेश्चंस। ओ दैट्स सो सिंपल। सैला ने ये चैलेंज दिया कि रोहिणी को एक सेप बनाना है, मतलब एक आकृति बनानी है। ठीक है, मतलब माचिस की तीलियों को लेकर एक आकृति बनानी है, लेकिन उसने देखना नहीं है कि मोहिनी क्या बना रही है। वो दोनों बात कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते, जैसे कि स्पीकर में भी दिखा रखा है। ठीक है, उन्होंने एक दूसरे की तरफ पीठ की हुई है, दोनों कुछ कुछ बना रहे हैं, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते कि वो क्या बना रहे हैं। क्लियर है? रोहिणी मेड दिस शेप, रोहिणी ने ये वाली शेप बनाई। ठीक है, मोहिनी, इज इट अ क्लोज शेप और एन ओपन शेप? अब तुमने ये बताना है, मोहिनी पूछ रही है कि क्या ये एक बंद आकृति है या खुली आकृति है? बंद है। रोहिणी, इट इज अ क्लोज शेप, रोहिणी ने बोला कि कैसी आकृति है, एक बंद आकृति है। फिर मोहिनी ने बोला, हाउ मेनी साइड्स आर देयर? तो उसने 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 ये बोला कि उसने मोहिनी ने बोला कि हाउ मेनी साइड्स आर देयर, कि उसकी कितनी भुजाएं हैं। तो रोहिणी ने बोला कि कितनी, इट हैज सिक्स साइड्स, छः, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि वो दोनों बात कर सकते हैं। चैलेंज तो है कि बनाना है, लेकिन वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो वो बातों में पूछ रहे हैं कि क्या तुमने बंदाकृति बनाई है, अब उसकी कितनी साइड्स हैं। उन्होंने बोला छः। तो बात करके उन दोनों ने अलग अलग फिगर्स बना लिए, एक ने तो ये वाला बना लिया और दूसरे वाले ने ये वाला बना लिया। नाउ यू गिव द आंसर्स, अब उन्होंने बोला कि अब आप क्या दो, इनके आंसर्स दो। इज इट ए क्लोज शेप, क्या ये बंद आकृति है ये भी? यस। डज इट हैव सिक्स साइड्स, इसकी भी छह साइड्स हैं। ठीक है, बट इट इज नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी, सो मोहिनी ट्राइड अगेन। तो लेकिन हुआ क्या कि दोनों ने बनाई तो सिक्स साइड्स वाली और बंद ही आकृति बनाई, लेकिन दोनों ने बना क्या दी, अलग अलग। दिस इज व्हाट सी मेड। फिर उसने क्या किया कि जब उसने बोला कि नहीं ये तो ऐसी नहीं है, जब सैला ने बोला, ठीक है, तो उसने फिर ट्राई किया, फिर उसने ये बना दी, फिर ये भी बंद आकृति है और है इसकी भी छह ही भुजाएं। ठीक है, इज इट ए क्लोज शेप विद सिक्स साइड्स, क्या यह भी एक बंद आकृति है जिसकी छह भुजाएं हैं, ये वाली? यस। इज इट द सेम एज द मेड वन मेड बाय रोहिणी, क्या अब ये वही आकृति है जो रोहिणी ने बनाई थी? बताओ। नो, उसने तो ये वाली बनाई थी ना, उसने ये वाली बनाई थी, एक ने ये वाली बनाई थी, फिर उन्होंने ये वाली बनाई। तो ठीक है, तो ये तीनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग। इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दीज शेप्स आर डिफरेंट, वो बोल रहे हैं कि क्या कोई तरीका है जब हम ये बोल सकते हैं कि ये आकृतियां अलग अलग कैसे हैं। कोई बता सकता है कि अलग अलग कैसी हैं आकृतियां? ये भुजाएं इनकी सेम हैं, सारी बंद आकृतियां हैं, लेकिन फिर भी क्या हैं, अलग अलग दिखने में क्या हैं, ये अलग अलग, साफ पता चलता है देख के तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप्स, गेस एंड मेक टू मेड शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड। वो बोल रहे हैं कि अब आपने क्या करना है, अब आपके पास एक चैलेंज है कि अब आपने क्या करना है, इन मैचस्टिक से लेके सिक्स मैच स्टिक से लेके आपने दो अलग फिगर्स बनाने हैं जो कि ये तीनों में से नहीं है। कर दोगे? yes, चलो करके देखो। इसके लिए आपको अब मैं दे रहा हूँ 10 मिनट। ठीक है, तो आपको मैंने एक चैलेंज दिया था कि आपको क्या करना था, जो ये तीन फिगर्स थे, इन तीन फिगर्स से डिफरेंट कुछ फिगर्स बनाने थे, और मैच स्टिक्स कितनी यूज करनी है, सिक्स। ठीक है, तो क्या बना लिया आपने? हाँ जी सर। एक बच्चे ने ये बनाया, ठीक है, एक ने ये बनाया और एक ने ये बनाया। ये भी सारी क्लोज शेप्स हैं, सारी बंद आकृतियां हैं। ठीक है, मतलब इनके कोनों से कोई भी अंदर घुस नहीं सकता है। ठीक है, खुली आकृतियां वो हैं जहां से कोई अंदर घुस सकता है, और बंद आकृतियां वो हैं जिनमें कोई अंदर घुस नहीं सकता। तो जो ये तीन आकृतियां आपने बनाई हैं वो इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर है? If you ask for the angles that the matchsticks make at the corners, you can do it. Oh, so let's look for the angles. अब ठीक है, अब हमने angles के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब angles क्या होते हैं कि जब भी दो lines मिलती हैं, यहाँ पर देखो कितनी sides हैं इसकी, सिक्स। अब देखो यहाँ पर जहाँ पर भी दो lines मिलती हैं वहाँ पर क्या बनता है, एक angle. यहाँ पर देखो कितने angles बन रहे हैं, एक यहाँ पर बन रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angles बन रहे हैं। इस वाले में देखो कितने angles बन रहे हैं, गिनो जरा। वन
4, 5. रॉन्ग. देखो फोर एंगल्स तो इसमें बन रहे हैं ना, फोर एंगल्स तो किसके अंदर से बन रहे हैं, 1, 2, 3 और 4. और 3 इसमें भी तो बन रहे हैं ट्रायंगल में, 1 अंदर से, 1 यहाँ पर अंदर से और 1 यहाँ पर अंदर से, तो कितने हो गए 7. अब देखो इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं बताओ जरा. 1, 2. ये कितने ट्रायंगल्स हैं पहले ये बता दो. 2. दो बड़े ट्रायंगल्स हैं ये, तो दो बड़े ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल में कितने एंगल बनते हैं 3, और दूसरे में 3, तो कितने हो गए 6 एंगल हो गए. ठीक है, क्लियर है. बाकी इसमें और भी एंगल्स बन रहे हैं, उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, क्लियर है ना.